वेलकम बैक टू बिग कुक एंड रिलैक्स। चलिए आज बनाते हैं दही भिंडी मसाला। ये बहुत ही टेस्टी भिंडी की सब्जी बनती है। नाउ लेट्स सी द प्रिपरेशन। सबसे पहले भिंडी को हमें इस तरह से लंबा लंबा बीच से चीरा करके काट लेना है। यहाँ पे मैंने अराउंड आधा किलो भिंडी ली है। उसके बाद अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक अराउंड हाफ टी स्पून, और इसको अच्छे से मिला लेना है। और अब इस भिंडी को हमें साइड में रख देना है। उसके बाद हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे जिसमें हम भिंडी फ्राई करने वाले हैं। और जब तक तेल गरम होता है तब तक हम एक बैटर रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1.5 कप दही। उसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, अराउंड 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से फेंट लेना है। ये हमारे करी का बेस हम रेडी कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद इस मिक्सचर में हम सरसों का तेल डालेंगे 1 चम्मच, और तेल यहाँ पे गरम हो गया है। इसमें चलिए भिंडी फ्राई कर लेते हैं। भिंडी को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है ताकि वो एकदम क्रिस्प लगे जब करी के अंदर जाए तब। भिंडी गोल्डन ब्राउन हो गई है तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। उसके बाद अब बारी आती है करी को तड़का लगाने की, जिसके लिए हमें कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच इसमें लहसुन और हरी मिर्च का कुटा हुआ पेस्ट हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। उसके बाद 2 मीडियम साइज प्याज को बारीक काट के इसके अंदर डालेंगे। ये हमारे करी का बेस रेडी हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टमाटर कटा हुआ, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट में प्याज और टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और कलर के लिए 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ऑलरेडी हमने मिर्ची पाउडर दही में और भिंडी में डाली थी, इसलिए थोड़ा ही डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी अराउंड 1/4 कप, ताकि सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन जाए। अब जो ये दही का बैटर हमने बना के रखा था उसको हम इस पे डालेंगे और मसाले में अच्छी तरह से मिला लेंगे। ध्यान रखिए कि इस मिक्सचर को एक ही डायरेक्शन में हमें चलाना है ताकि दही फटे ना। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के और जो भिंडी हमने तल के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे, और गैस को धीमा करके 5 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो कुरकुरी भिंडी है वो सारा मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया कट करके इस सब्जी को हम गार्निश करेंगे, और ये हमारा दही भिंडी मसाला एकदम तैयार है। इस सब्जी को आप पराठे या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेक कुक एंड रिलैक्स, एंड कीप फॉलोइंग फॉर मोर सच अमेजिंग रेसिपीज़।